वृंदावन में मोती झील स्थित एक भवन में राष्ट्रीय विप्र स्वाभिमान महासंघ के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 फरवरी 2018 को थाना हाईवे के मोहनपुर गांव में पुलिस की गोली से बालक माधव की मौत के महीनों गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। आज मृतक के पिता अमरनाथ शर्मा और उनके भाई राष्ट्रीय विप्र स्वाभिमान महासंघ के पदाधिकारियों से मिले और उन्हें जांच की लचर व्यवस्था से अवगत कराया। आचार्य बद्रीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू है। पुलिस खुलेआम सड़कों पर निरंकुश होकर गुंडागर्दी कर रही है, जिसका प्रमाण मथुरा में माधव की हत्या और लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या है। विप्र स्वाभिमान संघ के पदाधिकारियों ने घटना की निंदा करते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही पुलिस पर निष्पक्ष जांच न कराकर इस मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया गया। विप्रों ने चेतावनी दी है कि अगर इस संबंध में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो विप्र स्वाभिमान महासंघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में नागेंद्र महाराज ने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं मृतक माधव के पिता अमरनाथ शर्मा ने बताया कि किस तरह उनके हंसते खेलते बेटे की पुलिस ने जान ले ली। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। फिर घर है, एक छोटी सी बेरिया पे 4-5 बच्चा है, वहाँ पे 4-5 बच्चे में थे, एक बच्चा के आके गोली लगी, मैं आगे वो जवारी में हुआ बच्चा के पास में आके बाकी गोली लग गई, बच्चा के बच्चा ढांकरन में गिर गया और ढांकरन में गिर गए और आगे जाके फिर वहाँ पकड़ लिया जोहारी अप्पा करके, उसके पैसा लेके वो छोड़ दिया, छोड़ के उसने गोली क्यों नहीं मारी, वाने एक गोली बहु में मारता, फिर भी अगर बच्चा के पास नहीं आया, बच्चा में ढांकरन भड़बड़ा भी लग रहा और गाड़ी में बैठ के सीधे चले गए। फिर जो मोटरसाइकिल पे जो है वह मोटरसाइकिल ले गए 3 पुलिस वाले, फिर वे मोटरसाइकिल ले आए, मोटरसाइकिल ले गाड़ी लेके आए, गाड़ी के आगे फिर अगर हमारे पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिताजी और हमारी बहू सब, कह बच्चा हॉस्पिटल पहुँचा दो, बड़ी रिक्वेस्ट करिए, तो वे नहीं ले जा रहे, तो हमारे पिताजी गाड़ी के आगे लौट गए, मेरी बहन ने कहा कि अगर राइफल पकड़ ली वन की नहीं ले जाएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी या मर जाऊंगी। जब बड़ी मुश्किल थे वो बच्चा गाड़ी में रखो, एक गांव का आदमी आएगा और गांव के आदमी के संग वो बच्चा हमने भेज दिया, मैं तो था नहीं, और फिर नवादा 1.5 किलोमीटर आगे जाके वह बच्चा वहाँ पर फेंक गए, वन की मुठभेड़ करनी है बदमाशन थे, हम फोर्स लेके आ रहे हैं। फिर मैं नवादा गांव के जो आदमी है वो बच्चा ले गए, वहाँ स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल ले गए गांव के आदमी नवादा के, और वहाँ पे वह पट्टी वट्टी करके फिर वो नैती का ही रेफर कर दिया है। तो नैती में मैं एम्बुलेंस में वहाँ पे पहुँच गया, तो एम्बुलेंस में जैसे सांप मर जावे का ऐसे वो सांप फड़फड़ावे ना, ऐसे वो बच्चा फड़फड़ा रहा मेरी गोद में। फिर वहाँ जाके हम नैती हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे हम देखा जब पहुँचे अब तो उन्होंने कही भाई 10,000 रुपये जमा कर दो तुम्हारा का इलाज चालू होगा, हमने कि हमारे घर के पैसा लेके आ रहे हैं तो मेला अच्छा चालू करो, ठीक है। फिर इतनी देर में प्रशासन और ये नेता लोग सब पहुंच गए वहाँ पे, फिर उन्होंने कोई भी है का वहाँ पे इलाज नहीं करो, बाकी जो सांस फांस लगा के लगा दिए, गोली को इलाज को नहीं करो, बाकी कछु हाड़ा चीड़ी कर दे, उन्होंने कुछ भी नहीं करो, बस जे इंतजार करते रहे कई बच्चा कम मरे, आध पौन घंटा तक वहाँ बच्चा जिंदा रहा फिर वो बच्चा मर गया। 6-7 महीने पहले और पुलिस की गोली से मोहनपुर अड़ुकी में एक बालक की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, 7-8 महीने हो गए, कैसी जांच है ये जो अभी तक उसका निर्णय निकल के नहीं आया, पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, पीड़ित परिवार को, तो ये सब हमारे पास में आए हैं और संज्ञान में ये बात आई है। तो जैसे विवेक तिवारी को लखनऊ में मारा गया है पुलिस की गोली के द्वारा, उसी तरीके से एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और 7-8 महीने हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि राजीनामा कर लो और इस केस को ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम सब विप्र स्वाभिमान महासंघ के पदाधिकारी राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको अवगत कराएंगे, और इसमें सीबीआई जांच की हम मांग उठाते हैं कि सीबीआई मांग की जाए, जांच की जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और आगामी यदि इस पर सुनवाई नहीं होगी विप्र समाज इकट्ठा होकर के आंदोलन करेगा और उनके साथ है, हर वक्त साथ है और निश्चित रूप से इनको न्याय दिलाने के लिए अग्रसर रहेगा। जिस तरीके से विवेक तिवारी के परिजनों को सरकारी नौकरी और बड़ा मुआवजा मिला है, क्या इनके लिए भी इस तरीके की मांग? बिल्कुल, हम मांग करेंगे, बिल्कुल सरकारी नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी लिए कहा गया संविदा पर 6,000 रुपये की नौकरी दे दी गई, प्राइवेट ये कोई बात है क्या?
उसको सरकारी नौकरी दिया जाए और उसको मुआवजा तो देखो उनकी मांग भी नहीं है, लेकिन उनका एक ही कहना है कि हमको न्याय दिया जाए। तो अभी तक लोग गुमराह करते रहे, लेकिन अब न्याय जरूर मिलेगा और न्याय दिलवाया जाएगा। आंखों में बहती आंसुओं की अवरल धारा, रह रहकर आंगन में गूंजता एक माँ का रुदन, एक मनुष्य सन्नाटे को मानो चीर कर रख देता है। इस माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गांव से बाहर शांत एकांत घर के बाहर मौत उसके लाल को इस तरह अपना निशाना बना लेगी। अपने पांच भाई बहनों में सबसे होशियार और तेज तर्रार था अपनी माँ का लाडला माधव। स्कूल से आने और खाना खाने के बाद बच्चों के धमाल में सबसे आगे रहता था वो। मंगलवार को भी वो अपने भाई बहनों के साथ घर के पास लगे बेरी के पेड़ के नीचे खेल रहा था कि तभी एक तेज धमाके की आवाज के साथ कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा ये मासूम। ये धमाका सुनकर जब उसकी माँ बाहर आई तो फिर क्या हुआ ये बताया इस रोती बिलखती माँ ने। बंदूक लेके उतर गाड़ी में थी तो बच्चा बच्चा मेरे मैंने मर मेरे बच्चा लेके जाते हैं गोली मारी यहाँ से जाए हुए जब आजादी पकड़ लिया था क्या फिर लौट कर क्या बजबी खा दे बजबी आए फिर मैं भाग रहे बच्चा जाए बच्चा नहीं जाऊंगी तो गोली मारी है फिर बच्चा माधव के साथ खेल रहे उसके मासूम भाई बहन भी समझ ना सके कि आखिर ये क्या माजरा था। और जो मंजर सामने था वो बताया माधव की बहन ने। मैं कहा चले गई सुई मैं कम चले गए हमारे खेत में सुई माधव में पड़ गई। माधव क्या कर रहे थे आप लोग उस टाइम पे? बीयर खा रहे। अच्छा गोली चलाई किसने? पुलिस वाले ने चलाई। अच्छा भैया पास था आपके गोली भैया को लग गई तो पुलिस वाले वहाँ से आए या भाग गए? एक गाड़ी तो पीछे की लंग चले गई और एक गाड़ी आगे की लंग। जब गोली लगी उस वक्त कितने लोग थे बेटा वहाँ पर? तीन चार लोग तो मम पे भाग रहे हमारे खेत में और एक एक ने गोली चलाई। गोली चलाने वाला कौन था? पता ना कौन है पुलिस वाले। अच्छा खाकी वर्दी पहने थे क्या? खाकी वर्दी पहने थे। घटना के दूसरे